हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम, हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो चाहोगे वो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहीं धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज से चिल्लाता था, जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वो उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये बात सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उसने पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूं? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूं कि एक दिन में हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? युवक बोला, बाबा बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरा मोती बना लेना। साधु बोला, साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेली आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, जो जोर से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो, इससे इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्त के दो गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरा का बड़ा व्यापारी बन गया। सीख, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरा मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, हमारा फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने और सब समस्त दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया और शेयर किया है, उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके